अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। काफ़ी दिनों के बाद दोबारा से अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैंने टॉपिक लिया हुआ वो है फुरकान, जो कि डिफ्रेंशिएट करता है अच्छाई और बुराई को। ठीक है, हमारे पास कुरान में एक सूरा भी है, सूरा फुरकान नाम का, जो कि 25th चैप्टर है कुरान का, उसमें 77 आयत है। एंड इसका इस्लामिक हिस्ट्री में बेस्ट एग्जाम्पल इज उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, जो कि बहुत ही वेल स्पोकन है, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बहुत ही ब्रेव है, स्ट्रांग है। एंड वो एक ऐसे शख्सियत थे जिनको खौफ किसी का नहीं था सिवाय अल्लाह के। ठीक है, दुनिया में वो तो किसी से नहीं डरते थे, यहाँ तक कि शैतान उनसे डर के जो है अपना रास्ता बदल लेता था। लेकिन ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। ही वॉज यू नो ही इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ अ ट्रू मुस्लिम मैन आफ्टर द प्रॉफिट्स एंड एवरीबडी ऑब्वियसली, जो सहाबाज थे एंड जो ये खलीफा बने थे। तो जाहिर सी बात है कोई रीजन की वजह से अल्लाह ने इनको खलीफा का दर्जा दिया था। सेकेंड रैंक पे थे वो आफ्टर अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु। तो ही वॉज अ वेरी स्ट्रांग मैन। एंड जो मुस्लिम मर्द है उनको देखना चाहिए कि ये जो शख्सियत थे, ये जो आदमी थे, दैट काइंड ऑफ मैन दैट ही वॉज, वी शुड रियली लुक अप टू हिम। बिकॉज आज कैसा होता है ना कि हम कोई भी चीज में ना जरा दीन दुनिया बैलेंस करने के लिए जाते हैं, लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु वॉज नॉट लाइक दैट। वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अगर ये इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ है तो सीधा उस चीज को डिस्कार्ड ही कर देते थे, वो उसमें एक समझौता करने का सवाल ही नहीं उठता था उनका। ठीक है, तो वो जरा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। अगर दीन में है तो ठीक है, अगर दीन में नहीं है तो उस चीज में वो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते थे। वो ये नहीं सोचते थे नहीं दुनिया वालों को जरा खुश करने के लिए मैं इस तरीके से कर लेता हूँ या वैसा कर लेता हूँ, नहीं। वो बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, उनको पता था ये ऐसा ही होना है और ये ऐसा ही करना है। तो यही था मेरा आज का टॉपिक कि हम अक्सर कैसा होता है कि दुनिया के प्रेशर में आके हम दीन को थोड़ा सैक्रिफाइस कर लेते हैं कि छोड़ो ना जाने दो, कर लेते हैं ऐसा करके। लेकिन ये गलत है, एकदम ही ज्यादा गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि इवेंचुअली जब हम मर के कब्र में जाएंगे तो इस दुनिया में से कोई एक इंसान भी नहीं आने वाला है हमारे साथ। ठीक है, ना जिन्होंने आपको ये सजेशन दिया है ना वो आने वाला है, ना कोई और आने वाला है, यू आर गोइंग टू बी अलोन। तो इट इज बेटर कि हम अल्लाह की ही बात सुने, इस्लाम को ही फॉलो करें एंड वैसा ही फॉलो करें जैसा कि कहा गया है, वैसा नहीं जो हमारा दिल चाहता है। अगर हमको कहा गया है कि हिजाब कंपलसरी है तो कंपलसरी है वो, फिर वो आप दुनिया यहाँ की वहां हो जाए, वो आपको नहीं हटाना है। तो उसी तरीके से बहुत सारी बार कैसा होता है ना कि हमारे जॉब प्लेसेस पे, हमारे कॉलेजेस में वन बहुत सारी दूसरी जगहों पे हमको ना ऐसा कुछ कहा जाता है जहाँ पे हमको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, हमको चूज करना पड़ता है, हमको एक बीच का रास्ता निकालना होता है। लेकिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का अगर हम एटीट्यूड अपनाएंगे तो वो हिसाब से देर इज नो बीच का रास्ता, देर इज नो इधर उधर, दिस इज द वन वे एंड दैट इज द इस्लामिक वे। तो जरा सा भी हमारे इस्लामिक प्रिंसिपल्स पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे, तो इंशाल्लाह हम भी वही चीज इख्तियार करें, वही चीज फॉलो करें और उनके जैसा बनने की बहुत बहुत कोशिश करें। क्योंकि अगर दीन में नुकसान हो गया तो उससे बड़ा नुकसान और कुछ भी नहीं है। दुनिया में अगर नुकसान हो जाता है तो नो प्रॉब्लम, अगर जब तक आपका दीन सही है तो दुनिया का हर नुकसान चलेगा। लेकिन अगर दीन में नुकसान हो गया तो उससे बड़ा नुकसान और कुछ भी नहीं है।